हरे कृष्णा, नमो प्रणाम। तुम्हें स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय, एक सेकंड। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, श्री अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, श्री अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, श्री अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री गौरनिताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारे रूप गोस्वामी प्रभुपाद सभी वैष्णवाचार्यों के बहुत प्रिय है। सभी वैष्णवाचार्य श्रील रूप गोस्वामी के प्रति वैसे ही आकर्षित रहते हैं जिस प्रकार से लोहा चुंबक से आकर्षित रहता है। और सब गोस्वामी सारे आचार्य एक कॉमन बात है, सब रूप गोस्वामी प्रभुपाद के सेवा करना चाहते हैं, रूप गोस्वामी प्रभुपाद के चरण चिन्हों पर चलना चाहते हैं, सब रूप गोस्वामी पाद के शरणागत होके उनके अंडर में रहना चाहते हैं ये। और जन्म जन्मांतर सब रूप गोस्वामी के चरणों में रहे, ऐसी सब वैष्णवाचार्य प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमने कई सारे वैष्णवाचार्यों के भावनाओं को, प्रेम को, समर्पण को देखे थे रूप गोस्वामी पाद के लिए, जिसमें से हमने श्रील प्रभुपाद के देखे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के देखे, भक्ति विनोद ठाकुर जी के देखे, हमने नरोत्तम दास ठाकुर जी के देखे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद के देखे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के देखे शरणागति। सारे एक से एक बढ़ के महान वैष्णव चूड़ामणि, वैष्णवों में वैष्णवों के मुकुट हैं ये सारे महान महान आचार्य, एक से एक बड़ बड़ के आचार्य हैं। और ये सभी आचार्य श्री रूप गोस्वामी पाद के चरणों में नतमस्तक होते हैं। तो इतने महान हैं हमारे रूप गोस्वामी प्रभुपाद। तो आज हम रूप गोस्वामी प्रभुपाद के महिमा, उनके अग्रज, उनके बड़े भैया और श्रील सनातन गोस्वामी के मुखों से सुनेंगे। सनातन गोस्वामी के भी रूप गोस्वामी पाद बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। तो सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु के ग्लोरिफिकेशन, भगवान चैतन्य महाप्रभु की महिमा का मंडन करने के लिए एक श्लोक का रचना करते हैं। और वो श्लोक बहुत सुंदर है। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की महिमा के साथ साथ वो उनका आंतरिक भावना से वो रूप गोस्वामी प्रभुपाद के महिमा को भी प्रकाशित कर देते हैं। तो श्लोक ऐसे रिसाइट करेंगे। नमः चैतन्य देवाय तस्मै भगवते नमः, यद रूप मणिम आश्रित्य चित्रम नृत्यति अयम जड़। बहुत सुंदर श्लोक का सनातन गोस्वामी रचना कर रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की महिमा के लिए। कह रहे हैं नमः चैतन्य देवाय तस्मै भगवते नमः। कह रहे हैं मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु को नतमस्तक होके दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। तस्मै भगवते नमः। भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है? वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है।
तस्मै भगवते नमः, स्वयं भगवान कृष्ण ही है। यद रूपम रणिम आश्रित्य, कह रहे हैं मैंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के सुंदर स्वरूप, जो चैतन्य महाप्रभु के सुंदर स्वरूप है, चैतन्य महाप्रभु स्वर्णिम स्वर्णिम आभा के है, सोने जैसा भगवान चैतन्य महाप्रभु का सुनार अंग है, सुनार अंग चैतन्य महाप्रभु का है। चैतन्य महाप्रभु दोनों अपने बाहु, चैतन्य महाप्रभु अपने दोनों भुजाएं उठा के चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं उन भगवान चैतन्य महाप्रभु के सुंदर दिव्य अद्भुत रूपों का दर्शन करके, चैतन्य महाप्रभु के रूप का दर्शन करके मेरे अंदर भक्ति जागृत हो रहा है। मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के सुंदर रूप का दर्शन करने मात्र से मेरे जैसे अधम नीच पापी पामर व्यक्ति के हृदय में भी भक्ति प्रकाशित हो रहा है और मैं भाव में नाच रहा हूँ, कह रहे हैं सनातन गोस्वामी, कह रहे हैं मैं भाव में नाच रहा हूँ। ये तो बाहरी अर्थ हो गया, इसी श्लोक का बाहरी अर्थ हो गया। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, और चैतन्य महाप्रभु के सुंदर दोनों भुजा उठा के चैतन्य महाप्रभु जो नाच रहे हैं, उस सुंदर रूप कांति को देख के सनातन गोस्वामी के हृदय में भक्ति प्रकाशित हो गया। और सनातन गोस्वामी कह रहे हैं मैं थिरक रहा हूँ, मेरा पांव थिरक रहा है, मैं भी नाच रहा हूँ भक्ति में, मैं भाव का अनुभव कर रहा हूँ। ये तो बाहरी अर्थ हो गया इस श्लोक का, है ना, लेकिन एक अंदर वाला अर्थ भी है सुंदर श्लोक का। इसमें रूप गोस्वामी प्रभुपाद की महिमा प्रकाशित हो रही है। क्या अंदर का अर्थ है? नमः चैतन्य देवाय तस्मै भगवते नमः, मैं उन भगवान चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। यद रूप मणिम आश्रित्य, ये कह रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी अंदर का हृदय का क्या भावना है। यद रूपम, यद रूपम, एक तो रूप मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है, फॉर्म है, चैतन्य महाप्रभु का दोनों दोनों भावों उठा के जो नृत्य कर रहे हैं, एक ये रूप है चैतन्य महाप्रभु का सुंदर दर्शन। एक रूप मतलब यद रूपम मणिम आश्रित्य, यानी जिसके रूप का मणि, जो रूप मणि का आश्रय कर ले लिया तो मेरे अंदर भक्ति प्रकाशित हो रहा है। रूप मतलब किसके रूप है, चैतन्य महाप्रभु के रूप गोस्वामी कह रहे हैं यद रूपम, चैतन्य महाप्रभु के जो रूप रूप गोस्वामी है, जो मणि के स्वरूप है, चैतन्य महाप्रभु के मणि के स्वरूप है रूप गोस्वामी पाद, चिंता मणि के स्वरूप है, उन रूप गोस्वामी का आश्रय ले लिया हूं मैं, इसलिए मैं नाच रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मेरे अंदर भक्ति प्रकाशित हो रहा है। ये सुंदर श्लोक भगवान के अरूप गोस्वामी की प्रसन्नता के लिए सनातन गोस्वामी रचना कर रहे हैं। एक तरफ भगवान की प्रसन्नता कर रहे हैं और साथ में हृदय में भक्त की प्रसन्नता भी कर रहे हैं। लेकिन अभी हम ये कैसे कह सकते हैं कि सनातन गोस्वामी तो बड़े हैं, सनातन गोस्वामी तो अग्रज हैं, एक तरह से गुरु हैं रूप गोस्वामी प्रभुपाद के, बट फिर भी अभी तो सनातन गोस्वामी अपनी निजी भावना है ना, वो रूप गोस्वामी को इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना सम्मान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की यद रूपम, जिनके रूप का आश्रय मणिम, जो मणि के समान है चैतन्य महाप्रभु के, आश्रित्य आश्रय ग्रहण करके चित्रम, कितना आश्चर्य की बात है, ये अयम जड़, मैं तो जड़ हूँ, मैं तो मंद मति हूँ, मेरे अंदर भक्ति का स्फूर्ति नहीं है, बट मेरे अंदर भी रूप गोस्वामी के आश्रय ग्रहण करके मेरे अंदर भी भक्ति का स्फूर्ति हो गया और मैं भाव में आके नाच रहा हूँ। ये सुंदर सनातन गोस्वामी की भावना है रूप गोस्वामी के लिए। एक्चुअली भक्ति में कोई ऐसा कंपटीशन नहीं होता, या मतलब कि अहंकार का भावना होता ही नहीं कि मैं बड़ा भक्त हूँ तो मैं मेरे से छोटे भक्त का तारीफ ही नहीं करूंगा, ऐसा कुछ कंपटीशन का भावना होता नहीं है। जो जितना बड़ा भक्त होता है वो उतना ज्यादा झुका हुआ होता है, जैसे बोलते हैं जिस पेड़ में जितना ज्यादा फल लगा होता है वो पेड़ उतना ज्यादा झुका होता है, और जिस पेड़ में फल नहीं लगा होता वो बिल्कुल तन के खड़ा होता है, ठीक है। तो भक्ति में जो जितना ज्यादा बढ़ा हुआ चढ़ा रहेगा वो उतना ज्यादा विनम्र रहेगा, उतना ज्यादा वो सबको प्रेम दे पाएगा। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से बड़े हैं बट सम्मान सम्मान कर रहे हैं, अपना प्रेम दिखा रहे, अपनी भावना दिखा रहे हैं कि मैं भी रूप गोस्वामी का आश्रय लेता हूँ और चैतन्य महाप्रभु के रूप है, यद मणि रूप मणि माश्रित, चैतन्य महाप्रभु के रूप का आश्रय लेके मेरे अंदर भी
प्रेम जागृत हो रहा हूं, मैं नाच रहा हूँ प्रेम से, भाव से मैं भी नाच रहा हूँ, है ना। तो सुंदर कितना चैतन्य सनातन गोस्वामी जी का भावना है। तो अब हम थोड़ा भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी देखते हैं, कल भी देखा था आज भी हो उनका देखते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी एक भजन लिखे हैं, एक भजन लिखते हैं, कली कुकुर का दन यदि चावहे, कलि युग पावन कलि भय नाशन, श्री सचि नंदन गाहे। तो कली कुकुर कंदन यदि चावहे, कलियुग पावन कलि भय नाशन, श्री सचि नंदन गाहे। तो इस भजन में ये भक्ति विनोद ठाकुर जी उसमें एक स्टंजा ऐसा भी लिखते हैं, कहते हैं, रूपानंद वर्धन सनातन पालन हरिदास मदन धीरा। तो रूपानंद वर्धन सनातन पालन हरिदास मदन धीरा। तो एक्चुअली सनातन ये जो भक्ति विनोद ठाकुर जी है, वह हर एक वैष्णव का भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या भावना है, हर एक वैष्णव का भगवान चैतन्य महाप्रभु से अपना कुछ कुछ निजी संबंध है ना, तो उन निजी संबंधों को इस वैष्णव भजन में गिनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं, देखिए जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो सनातन गोस्वामी का रक्षा करने वाले हैं, सनातन गोस्वामी का पालन करने वाले हैं। हमने एक स्टोरी देखा था ना कि सनातन गोस्वामी को जिस समय जब वो जगन्नाथपुरी में गए हुए थे, तो सनातन गोस्वामी को रास्ते से, जंगल के रास्ते से गुजर के गए थे, तो कहीं के कांटे वाटे लगे थे, तो सनातन गोस्वामी के शरीर में घाव हो गए थे बहुत सारे, तो उसमें पस आ गया था बहुत। तो जब हरिदास ठाकुर जी के साथ सनातन गोस्वामी रहा करते थे जगन्नाथपुरी में, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर जी की कुटिया में जाते, और वहां हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी को भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद अपने हाथों से दे देते थे चैतन्य महाप्रभु। और जितना दिन जाते थे ना, उतना दिन सनातन गोस्वामी को पकड़ के जोर से गाढ़ आलिंगन करते थे, गले लगाते थे, और सनातन गोस्वामी के शरीरों का जो पस होता था, घाव का जो पस होता था, वो चैतन्य महाप्रभु के शरीरों से, दिव्य अंग से लग जाता था, श्री अंग में लग जाता था। तो सनातन गोस्वामी इतना दुखी हो गए, बोले मैं कितना पतित हो गया हूँ कि मेरे को भगवान आलिंगन कर लेते हैं और उनका शरीर दूषित हो जाता है मेरे पस से। पस गंदा होता है ना, पस अच्छा थोड़ी होता है। तो बहुत दुखी हो गए और बार बार मना कर देते, महाप्रभु मुझे मत छुइए, मुझे मत छुइए, मैं वैसे भी अपवित्र हूँ और उसमें भी इतना सा घाव लगा हुआ है, पस हुआ है, आप दूषित हो जाएंगे, मुझे मत छुइए। लेकिन भगवान भी कहते हैं, अरे सनातन ऐसा क्यों बोलते हो, तुम्हारे स्पर्श करके तो मैं पवित्र होता हूँ, मेरे अंदर इसी सारे ब्रह्मांड को पवित्रता मिल जाती है, तो मुझे तो छूने दो। तो इस प्रकार से भगवान मानते नहीं थे, और यहाँ सनातन गोस्वामी को लगने लगा कि मान नहीं रहे हैं, इससे अच्छा है कि मेरे वजह से भगवान इतना तकलीफ हो रहा है, मैं प्राण त्याग दूंगा अपना। तो सनातन को रथ यात्रा होने वाली थी अगले दिन, तो सनातन गोस्वामी ने बोले कि अभी तो मैं कल रथ के नीचे, पहिए के नीचे मैं सो जाऊंगा और पहिया मेरे ऊपर चल जाएगा, मेरा प्राण छूट जाएगा, कम से कम मेरे वजह से भगवान को ये गंदा शरीर छू रहे हैं और पस लग रहा है, ये तो नहीं होगा। तो अब भगवान चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान कृष्ण ही है, उनसे क्या छिपता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में जो भगवान बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, वो जान गए सनातन कल इस प्रकार से जगन्नाथ जी के रथ के नीचे सोने वाले हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु शाम में सब भक्तों को बुलाते हैं, स्वरूप दामोदर जी और सर्व मठाचार्य और सारे भक्त वैष्णवगढ़ आते हैं, और सनातन गोस्वामी भी रहते हैं उसमें, रामानंद राय और सब सारे वैष्णव रहते हैं, नित्यानंद प्रभु, सबके सामने भगवान बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, हमारे बीच में एक चोर है, एक चोर है। तो सबसे कौन चोर है सारे वैष्णव समाज में, भगवान चैतन्य महाप्रभु किसको चोर बता रहे हैं, कौन चोरी कर लिया है, क्या हो चोरी हुआ है। तो इस प्रकार से महाप्रभु बोल रहे थे, यही उपस्थित है, यही उपस्थित है वो चोर। तो सब घबरा रहे हैं, कौन चोर है, किसका नाम आएगा। तो सब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी की तरफ देखा, बोला ये चोर है, ये सनातन ये चोर है, ये दूसरे के संपत्ति पे अपना अधिकार करके उसको मान के और उसको नष्ट करने जा रहा है, ये चोर है। सनातन गोस्वामी बोले, मैंने किसका संपत्ति पे हाथ मार दिया, मैंने किसका संपत्ति नष्ट करना चाहा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तुम क्या सोचते हो, ये तुम्हारा शरीर तुम्हारा है,
तुम इसको सोच रहे हो कि कल जगन्नाथ जी के रथ के नीचे तुम इसका अनष्ट कर दोगे, अशोक है तो तुम्हारा शरीर तो मेरा शरीर है, तुम्हारा शरीर तो मेरा शरीर है, और तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश करके मेरे को बहुत सारे दिव्य कार्य करने हैं अभी, तो तुम कैसे मेरी संपत्ति को नष्ट कर सकते हो, मेरे शरीर को अपना शरीर मान रहे हो तुम। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की रक्षा करते हैं, इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं भजन मत्सिन ठाकुर जी सनातन पालन, जो सनातन गोस्वामी को पालन करने वाले हैं, हरिदास को जो एक मंत्र मुग्ध हरिदास ठाकुर जी को चैतन्य महाप्रभु मंत्र मुग्ध करके रखते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जी है, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने डांटे, उनका जो थोड़ा बहुत सिद्धांत क्लियर नहीं था मायावाद का, और मायावाद का वो फिलोसफी गलत दे रहे थे वो, और तो उनको भक्त बनाए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने, महाराज प्रताप रुद्र को शुद्ध भक्ति प्रदान की है, तो ये सारे अलग अलग भक्तों का भगवान ने उद्धार किए, और यहाँ पे कह रहे हैं रूपानंद वर्धन, और उनमें से जो रूप गोस्वामी है, रूप गोस्वामी के तो आनंद का वर्धन करने वाले चैतन्य महाप्रभु, तो हर एक गोस्वामी अपना अपना तरीके से रूप गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं, रूप गोस्वामी गुणगान कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वैष्णव चूड़ामणि, तो जितने महान आचार्य है, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो चैतन्य चरितामृत के ऑथर है, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के सुंदर रचयिता है, रचनाकार है, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला में तो कविराज गोस्वामी है, और भगवान के नित्य लीला गोलोक के वृंदावन में ये कस्तूरी मंजरी है, और कितने महान है ये, इन्होंने 11,000 श्लोक संस्कृत और बंगाली श्लोक का मिला के चैतन्य चरितामृत जैसे महान शास्त्र का रचना किया, 11,000 श्लोक, और कब रचना किए थे, जब वो 90 वर्ष के थे, बिल्कुल बूढ़े थे, हाथ पांव बिल्कुल कांप रहा था, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, राधा कुंड के तट पे बैठ के वो रचना करते, एक्चुअली में तो श्रीमती राधा रानी खुद ही लिखवा रही थी बोल बोल के, और तो बस वो हाथ चला रहे थे, नृत्य तो राधा रानी कर रही है राधा कुंड पे। तो उन्हें इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में अगर हम पढ़ते हैं कोई भी अध्याय, कैसे कर रहे हैं कविराज गोस्वामी शुरुआत, हर शुरुआत ऐसे करते हैं, चैप्टर का शुरुआत होने वाला है तो गाते हैं भगवान की महिमा गाएंगे, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, तो हर स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, और हर चैप्टर के एंड में क्या कर रहे हैं, वो हमारे रूप गोस्वामी का महिमा गा रहे हैं, रूप रघुनाथ पदे जहां रास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास, रूप रघुनाथ पदे जहां रास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास, हर एक अध्याय के आखिरी में चैतन्य चरितामृत इतने अध्याय है, हर अध्याय के अंत में बार बार इस रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, मेरा एक ही अभिलाषा है कि मेरे को रूप गोस्वामी पाद और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इनके चरण कमलों में स्थान मिले, इनके चरण कमलों में स्थान मिले, इतने महान है ये रूप गोस्वामी कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो भी रूप गोस्वामी के चरण कमलों में स्थान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, हर बार पूरा यश दे रहे हैं कि मेरे अंदर तो सामर्थ्यता नहीं है, और जो ये महान शास्त्र का रचना होने जा रहा है ये तो रूप गोस्वामी की कृपा से हो रहा है, रघुनाथ दास गोस्वामी कृपा से हो रहा है। अब बात करेंगे हम कवि कर्णपूर जी का, तो कवि कर्णपूर जी भी बहुत सुंदर महान आचार्य है, और उन्होंने एक सुंदर रचना की है चैतन्य चंद्रोदय नाटक, तो चैतन्य चंद्रोदय नाटक में वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से श्री रूप गोस्वामी की महिमा का गुणगान करते हैं, और वो एक्चुअली कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब वो रूप गोस्वामी की महिमा का गुणगान कर रहे थे अपने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में, तो उन्होंने कवि कर्णपूर जी के चैतन्य चंद्रोदय नाटक से श्लोक लिया था, तो वहां से श्लोक निकाल के कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में डाला है, तो 19 चैप्टर 19वां अध्याय चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला में ये सुंदर गुणगान है रूप गोस्वामी प्रभुपाद का, ये चैतन्य कवि कर्णपुर जी के चैतन्य चंद्रोदय नाटक से कृष्णदास कविराज गोस्वामी उठा के अपने ग्रंथ में डाल रहे हैं,
तो क्या है ये, क्या कबीर कर्ण फोड़ जी क्या महिमा गा रहे हैं, कह रहे हैं बहुत सुंदर, इसमें अलंकारिक भाषा है, बार बार रूप गोस्वामी का नाम ले रहे हैं, बार 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 रूप गोस्वामी की महिमा गा रहे हैं। क्या बोलते हैं, प्रिय स्वरूपे दयित स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभि रूपे निजा रूपे प्रभुरेक रूपे तदानुरूपे स्विलास रूपे। सुंदर श्लोक है, प्रिय स्वरूपे दयित स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभि रूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे तदानुरूपे स्विलास रूपे। रूपे 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 बार बार रूप गोस्वामी जी का नाम उच्चारण कर रहे हैं, बार बार रूप गोस्वामी का नाम ले रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, किस प्रकार से इस रूप गोस्वामी कह रहे हैं, फिर महिमा गा रहे हैं। कवि कर्णपुर जी कह रहे हैं, देखिए कवि कर्णपुर जी कहते हैं, प्रिय स्वरूपे, जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के बहुत प्रिय हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जैसे ललिता सखी है, तो नित्य लीला में श्रीरूप गोस्वामी वो रूप मंजरी है और वो ललिता देवी के, ललिता सखी के सहायिका है, ललिता सखी के सहायिका है। और यहाँ पे जो ललिता सखी हैं वो स्वरूप दामोदर जी बन के आई हैं, है ना। तो स्वरूप दामोदर जी ललिता सखी हैं और उनके अति प्रिय हैं रूप गोस्वामी, इसलिए कह रहे हैं प्रिय स्वरूपे, प्रिय स्वरूपे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के बहुत प्रिय हैं रूप गोस्वामी। फिर कहते हैं दयित स्वरूपे, दयित स्वरूपे, दयित स्वरूपे, क्योंकि दयित मतलब होता है प्रिय, दयित मतलब होता है प्रिय, और स्वरूप मतलब अपना ही रूप, है ना। तो एक्चुअली भगवान चैतन्य महाप्रभु के भी जो प्रिय कौन है, चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय कौन है, चैतन्य महाप्रभु तो श्रीमती राधा रानी की भावना को अंगीकार कर रहे हैं ना, राधा रानी का हृदय है। तो चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी की भावना को अंगीकार कर रहे हैं, उनके हृदय के सबसे प्रिय कौन है, भगवान श्री जगन्नाथ जो स्वयं कृष्ण है, भगवान जगन्नाथ, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी की भाव को अंगीकार कर रहे हैं, तो उनको सबसे प्रिय है भगवान जगन्नाथ। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के हृदय में भगवान जगन्नाथ के लिए जो प्रेम है, वो प्रेम है रूप गोस्वामी प्रभुपाद। हम समझ सकते हैं कि क्या ही प्रेम होगा भगवान चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथ जी के लिए, और अगर वो प्रेम को मूर्ति बना दिया जाएगा तो वो निकलेंगे रूप गोस्वामी प्रभुपाद, है ना। जगन्नाथ जी के लिए जो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम है, वो प्रेम की मूर्ति है श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, इसलिए बोल रहे हैं दयित स्वरूपे, दयित स्वरूपे, है ना। चैतन्य महाप्रभु के प्रिय प्रेम जो प्रिय है रघुनाथ, जो भगवान जगन्नाथ उनका स्वरूप है, उनका स्वरूप है प्रेम का, उनके प्रेम का स्वरूप है ना। फिर कहते हैं इसलिए, इसलिए फिर कह रहे हैं प्रेम स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे, मतलब कहा जाए तो कृष्ण भगवान का जो प्रेम है ना, प्रेम है वो प्रेम का ही मूर्ति है रूप गोस्वामी प्रभुपाद। कृष्ण प्रेम का जो मूर्ति है वो है शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद। प्रेम हम बोलते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम सब बोलते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो कृष्ण प्रेम है क्या, कृष्ण प्रेम प्राप्ति है क्या, शील रूप गोस्वामी पाद, है ना, शील रूप गोस्वामी पाद, कृष्ण प्रेम की हम रूप गोस्वामी पाद को प्रेम कर पाए, हम रूप गोस्वामी पाद के शरणाश्रित हो पाए, हम रूप गोस्वामी प्रभुपाद के चरण चिन्हों पे चल पाए, और रूप गोस्वामी प्रभुपाद के जो प्रिय भक्त लोग हैं, ये सारे आचार्य लोग हैं, भक्त लोग हैं, इनको प्रेम कर पाए, तो हमारा जीवन सफल होगा, तो हमारा जीवन सफल होगा। तो इसलिए कह रहे हैं प्रेम स्वरूपे, फिर कह रहे हैं सहजा 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 स्वरूपे, सहजा स्वरूपे, सहजा स्वरूपे, है ना। इसलिए सहजा मतलब कि रूप गोस्वामी पाद बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, मतलब नेचुरली स्वाभाविक रूप से उनको देख के प्रेम का प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। रूप गोस्वामी प्रभुपाद का दर्शन करने मात्र से हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम स्फुरित हो जाएगा, है ना। सहजा बिल्कुल सहज रूप से, सहजा स्वरूप है वो, सहजता से रूप गोस्वामी प्रभुपाद किसी भी बद्ध जीवात्माओं, कितना भी ज्यादा से ज्यादा नीचे गिरा क्यों न रहे, अधम रहे, नीच पामर रहे, कोई योग्यता न रहे, बट रूप गोस्वामी प्रभुपाद के दर्शन करने मात्र से सहजा स्वरूप है तुरंत उसको कृष्ण प्रेम के प्राप्ति होंगे, है ना। तो फिर यहाँ पे बताते हैं कि
कोई व्यक्ति सुंदर कैसे दिखता है, बहुत कोई व्यक्ति हम बोलेंगे बहुत सुंदर व्यक्ति है, कोई व्यक्ति सुंदर कैसे दिखेगा, क्या सुंदरता होने के लिए क्या चाहिए, क्या उसका बहुत सुंदर यौवन होना चाहिए, सुंदर जवान शरीर, या वो सुंदर अपना श्रृंगार कर रहा हो, क्या इससे सुंदर होता है क्या कोई व्यक्ति, नहीं इससे सुंदर नहीं होते। आत्मा 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 का अपने आप का एक सुंदरता है, आत्मा का अपना एक प्रकाश है जो अभी कवरित हो गया है। जब जब कोई जो जीवात्मा की चेतना रजोगुण और तमोगुण से बहुत ज्यादा मिश्रित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, तो वो आत्मा का प्रकाश कवरित हो जाता है, ढक जाता है, आत्मा का प्रकाश ढक जाता है। जब जब कोई बिल्कुल रजोगुणी नितांत रजोगुण नितांत तमोगुण से प्रभावित होकर कार्य करने लगता है, चेतना खराब होती है, तो उसका प्रकाश ढक जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बल्ब है, कोई बल्ब में बहुत प्रकाश निकलता है, बल्ब अच्छा है, फ्यूज नहीं है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, लेकिन अगर बल्ब के ऊपर कोई काली परत चढ़ा दे, काला पेपर लगा दे, डार्क पेपर काला, अब वो बल्ब का प्रकाश निकलेगा भी लेकिन बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर मोटा काला पेपर का काला कागज का परत चढ़ा दिया गया है, अब वो प्रकाश बाहर नहीं आएगा। अब उस काले पेपर के ऊपर हम कुछ डिजाइन भी बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि डिजाइन दिखेगा ही नहीं बाहर से, प्रकाश ही नहीं है, प्रकाश ही नहीं निकल पा रहा है ना। लेकिन अगर हम उस काले परत को काले कागज को हटा दे और बल्ब के ऊपर कुछ डिजाइन कुछ बनाए, कुछ फूल बनाए, पत्ती बनाए, तो जब बल्ब प्रकाशित होगा तो सामने जो रिफ्लेक्शन आएगा उस पे डिजाइन भी दिखेगा, वो प्रकाश भी बाहर निकलेगा, है ना। तो जब जीवात्मा की चेतना रजोगुण तमोगुण से बहुत निम्न कोटि की प्रभावित हो जाती है तो आत्मा का प्रकाश ढक जाता है, लेकिन जब जीवात्मा भगवान कृष्ण के भक्ति करता है तो धीरे धीरे रजोगुण तमोगुण का प्रभाव कम होता जाता है और दोबारा से प्रकाशित होने लगता है, दोबारा से प्रकाशित होने लगता है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी की बात कर रहे हैं तो वो तो साक्षात पूरा पूरा प्रकाशित है रूप गोस्वामी, वो तो कृष्ण प्रेम से बने हैं, रूप गोस्वामी तो कृष्ण प्रेम की मूर्ति है ना, कितना प्रकाशित है रूप गोस्वामी, है ना, कितने सुंदर है, ये सुंदरता के बारे में बता रहे हैं, सहजा स्वरूप है ना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ना, क्योंकि उनके अंदर कोई भी कवरिंग नहीं है, रजोगुण तमोगुण का कुछ भी लेश मात्र भी कवरिंग नहीं है, जो कुछ है सब कुछ विशुद्ध सत्व है, और बहुत सुंदर है रूप गोस्वामी पाद, बहुत सुंदर है। हम हमारे वृंदावन में दर्शन कर सकते हैं ना, राधा दामोदर मंदिर जी के मंदिर में जो श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की समाधि है, अभी 2 दिन पहले रूप गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस गए, कितना सुंदर है रूप गोस्वामी पाद, कितने लंबे से एक अजीब सी शांति और प्रसन्न मुद्रा और एक अजीब सी आभा, किस सुंदर मुद्रा में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद बैठे हुए हैं, जप कर रहे हैं, उनकी उनकी आंखों में गहराई, कितना कृष्ण प्रेम दिख रहा है, जीवात्माओं के ऊपर करुणा दिख रही है, कितने ही सुंदर है रूप गोस्वामी प्रभुपाद, कितना सुंदर है। तो हम देख सकते हैं ना, हमारे सामने तो प्रकट है ना समाधि के रूप में, हम देख सकते हैं कितनी, हम कभी स्मरण कर सकते हैं कितना सुंदर रूप गोस्वामी प्रभुपाद, ये कह रहे हैं सहजा स्वरूपे सहजा स्वरूपे सहजा स्वरूपे, स्वाभाविक रूप से सबको अपनी तरफ खींच रहे हैं रूप गोस्वामी प्रभुपाद, खींच रहे हैं। फिर कह रहे हैं निजा भी रूपे है ना, तो चैतन्य महाप्रभु के परफेक्ट फॉलोअर हैं, बिल्कुल परफेक्ट अनुयायी है रूप गोस्वामी प्रभुपाद, बिल्कुल परफेक्ट बोलेंगे, जो फॉलो करता है चैतन्य महाप्रभु को वह रूप गोस्वामी पा, निज अभि रूपे, चैतन्य महाप्रभु के बिल्कुल अच्छे वाले बेस्ट फॉलोअर हैं रूप गोस्वामी प्रभुपा जी। फिर कह रहे हैं प्रभु रेख रूपे, ये बहुत सुंदर है, प्रभु रेख रूपे, प्रभु रेख रूपे, यानी चैतन्य महाप्रभु के तो एक ही रूप गोस्वामी है, एक ही रूप, प्रभु रेख रूपे मतलब मेरा तो बस एक ही बेटा है, ऐसे बोलते हैं ना, मेरा तो एक ही बेटा है, बहुत लाडला होगा, बहुत प्यारा होगा, इकलौता बच्चा ऐसा है ना, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे बोले ना, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रिय है, प्रभु रेख रूपे, चैतन्य महाप्रभु को तो एक ही रूप गोस्वामी है, दो तीन नहीं रूप गोस्वामी, एक ही रूप गोस्वामी है, प्रभु रेख रूपे, प्रभु रेख रूपे। तो क्या एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के पास ना तीन रघुनाथ थे, तीन रघुनाथ, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और एक थे रघुनाथ वैद्य, जो डॉक्टर थे, वैद्य जी, वैद्य, तो तीन रघुनाथ थे। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे उनको बोलते थे स्वरूपेर रघु, कि आप तो स्वरूप गोस्वामी के फॉलोवर हो, आप तो स्वरूप गोस्वामी के रघुनाथ हो, ऐसे बोलते थे। लेकिन रूप गोस्वामी के लिए यहाँ पे वर्णन है कि
प्रभु एक रूपे, रूप गोस्वामी तो चैतन्य महाप्रभु के है ना, एक ही रूप है उनका, एक ही रूप है। रघुनाथ दास गोस्वामी तो कह रहे हैं कि आप तो स्वरूप दामोदर के हो, लेकिन रूप गोस्वामी के लिए कहा जा रहा है कि प्रभु एक रूप है, कि आप तो रूप गोस्वामी प्रभु तो चैतन्य महाप्रभु के है, एक ही है, चैतन्य महाप्रभु का एक ही रूप है, एक ही रूप है ना। फिर कह रहे हैं तदान रूपे है ना, तदान रूपे, तो तदान रूपे मतलब दिया, अपने रूप को दिया, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, क्या दिया, 10 दिनों तक भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दशाश्वमेध घाट पर प्रयागराज में चैतन्य महाप्रभु बैठे, और उन्होंने रूप गोस्वामी प्रभुपाद को जो ब्रज प्रेम है, ब्रज प्रेम है वृंदावन का, जो गोपियों का जो प्रेम है, जो राधा रानी कृष्ण की जो प्रणय लीलाएं हैं, जो राधा रानी कृष्ण का जो प्रेम है, वो ब्रज का प्रेम, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के हृदय में पूरा पूरा उस प्रेम के अमृत को डाल दिया है ना, डाल दिया। स्वविलास रूपे, स्वविलास भी बोलते हैं, स्वविलास रूपे, स्वविलास रूपे मतलब माने कि स्वविलास, स्व चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं राधा रानी और कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहि अन्य, स्वविलास। तो राधा रानी कृष्ण का जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर और महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधिका ठकुरानी, तो इन दोनों का आपस का जो जो आपस का जो प्रेम व्यवहार है ना, आपस में जो प्रणय की सुंदर लीलाएं हुई हैं वृंदावन में निकुंजों में, वो जो दिव्य प्रेम का सब कुछ का व्यवहार है, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वविलास, जो अपना विलास किया है, वो विलास रूप गोस्वामी को दे दिया तदान रूपे, रूप गोस्वामी को बताया, रूप गोस्वामी को बताया तदान रूपे, है ना। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है कि क्या, कैसे दिया, कैसे दिया भगवान ने, कैसे दिया ये रूप गोस्वामी को, मतलब स्वविलास, जो राधा रानी कृष्ण का दिव्य विलास हुआ है वृंदावन में, जो प्रेम की लीलाएं हैं, वो कैसे दिया है रूप गोस्वामी को, कैसे दिया है। तो वो सुंदर श्लोका है, कहते हैं पार पार गभीर शून्य रस सिंधु, तुम्हार च खाइते तार कही एक बिंदु, पार अपार गभीर शून्य रस सिंधु, तुम्हार च खाइते तार कही एक बिंदु। तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु उनको भक्ति भक्ति चखाए, भक्ति के भक्ति चखना चाहते थे, भक्ति भक्ति का रस चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी प्रभुपाद चखना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बोलते हैं, हे रूप, तुम भक्ति चखना चाहते हो, भक्ति तुम्हें पता है, भक्ति तो एक समुद्र है, भक्ति तो एक समुद्र है, भक्ति तो एक समुद्र है, बहुत विशाल समुद्र है, भक्ति तो बहुत विशाल समुद्र है। और कैसा समुद्र है भक्ति, कैसा होगा, मानो कि जैसे हम क्या समुद्र, हमें 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 क्या कल्पना होगा, हमें तो एक समुद्र कल्पना होगा जो हम संसार में देखते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, और ये सारे समुद्र क्या है, छोटे समुद्र है, इसको कुछ दिनों में पार कर सकते हैं हम। भक्ति का समुद्र ऐसा नहीं कि इसको कोई पार कर दे, भक्ति का समुद्र तो बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, इतना बड़ा है कि स्वयं कृष्ण भी डूब जाते हैं इस भक्ति के समुद्र में। सोचिए भगवान जो पूरे बोलते ना कि कृष्ण का आश्रय लेने पर कृष्ण भगवान इस भाव सागर से पार करें, भाव पार लगा देंगे, भाव सागर से तो कृष्ण पार लगा सकते हैं, लेकिन भक्ति का जो समुद्र है ना, इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इतना विशाल है कि इसमें भगवान को भी डुबा दिया है, इसमें भगवान भी इसे डूब, इसमें डूबना, डूबे ही रहना चाहते हैं भगवान, भक्ति में, भक्ति में इतना आनंद है, इतना स्वाद है, इतना विशाल है भक्ति, भगवान भी डूबे रहना चाहते हैं, भगवान निकलना नहीं चाहते, भगवान चाहते हैं मैं डूबा रहूं, अंदर ही रहूं, कृष्ण चाहते हैं। सांद्रानंद विशिष्ट आत्मा कृष्णाकर्षणी च, तो गाढ़ा आनंद मिलता है भक्ति में, गाढ़ा, जैसे दूध को गाढ़ा करते हैं तो धीरे 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 चलाते 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 दूध कंडेंस मिल्क हो जाता है, रबड़ी बन जाती है, और चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, गाढ़ा होते 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 लास्ट में खोआ बन जाता है, खोआ बन जाता है, खवा, तो गाढ़ा हो गया ना, सांद्र आनंद, बहुत गाढ़ा हो गया, अभी बहुत गाढ़ा हो गया, और फिर
भक्ति जब गाढ़ा हो गया तो कृष्णा कर्षणी च, तो ऐसा जो भक्ति है ना वो भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। तो कृष्ण बिल्कुल डूबे रहना चाहते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति का समुद्र तो बहुत बड़ा है, भक्ति का समुद्र तो बहुत बड़ा है, इसका स्टार्ट, इसका जो स्टार्टिंग का जो शोर है, स्टार्टिंग का जो किनारा है वो आप कहीं है नहीं, आप कहीं स्टार्टिंग का किनारा नहीं पा पाओगे। भक्ति का शुरुआत कहाँ से हुआ है और भक्ति का कहाँ पे भक्ति का पूरा हो रहा है ना, कहाँ भक्ति पूरा, आप किस बॉर्डर पे जा भक्ति का देख लो, यहाँ है, यहाँ तक सीमा है, वो भी नहीं पा पाओगे कभी, है ना। और कितना गहरा है भक्ति, उसका कुछ नीचे का बॉटम है समुद्र, जो समुद्र का भी कुछ बॉटम लाइन होगा ना, कि समुद्र का बिल्कुल बॉटम बेड, हाँ समुद्र पे किसी पे टिका होगा ना, धरती के किसी छोर पे किसी किनारे पे, कि अब से समुद्र टिका है तो यहाँ से समुद्र ऊपर बढ़ रहा है ऐसा। तो भक्ति का तो कोई बॉटम लाइन भी नहीं है भक्ति का, मतलब ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ना तो एंड पॉइंट है, ना तो डेप्थ पॉइंट है। भक्ति का कहाँ से शुरुआत हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है और कितना गहरा है, कुछ कुछ पता नहीं, मतलब अनलिमिटेड है भक्ति, अनलिमिटेड, और ना तो लंबाई चौड़ाई गहराई कुछ पता है नहीं, भक्ति का बहुत गहरा है और अनलिमिटेड गहरा है, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड शुरुआत हो रही है इसकी, अनलिमिटेड इसका अंत, कोई अंत है ही नहीं, और इतना ही नहीं अनलिमिटेड तरीके से बढ़ रहा है, चारों तरफ से भक्ति बढ़ रहा है, भक्ति का समुद्र है, जो आनंद है, जो प्रेम है वो बढ़ रहा है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, आनंद का भक्ति के आनंद का अम्बुधि सागर बढ़ रहा है, वर्धनम प्रतिपदम, कब बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कुछ समय में नदियां मिलने तो बढ़ रहा है, हर क्षण बढ़ रहा है, हर क्षण अमृत इसका बढ़ रहा है, और जो जो इसमें डुबकी लगाए हुआ है वो आस्वादन कर रहा है, वो आस्वादन कर रहा है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं देखा भक्ति तो बहुत बहुत गहरी है, बहुत इसका कोई अंत नहीं है, कहीं आप पा नहीं सकते इसका छोर को किनारे को, इसका लंबाई चौड़ाई गहराई कुछ पा नहीं पाओगे, और बढ़ रहा है हर समय, बढ़ रहा है हर क्षण बढ़ रहा है। तो कहते हैं लेकिन रूप तुमने इच्छा किया है, तुम भक्ति को चखना चाहते हो मेरे से, तो लो, तो चैतन्य महाप्रभु जैसे रूप गोस्वामी जी का उंगली पकड़ के भक्ति के समुद्र में उनका उंगली डुबो दिए, बोले लो लो अब चख लो, जैसे कोई हमारा उंगली पकड़ के किसी में डुबो दी समुद्र में, बोले लो स्वाद समुद्र का स्वाद चख लो, हम अपने उंगली को चाट लेंगे, है ना, तो हमें पता चले समुद्र का स्वाद कैसा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी की उंगली पकड़ के उनको भक्ति के समुद्र में उनका उंगली डाल दिया, और फिर निकाल कर लो चख लो, भक्ति का एक बूंद चख लो। तो चैतन्य महाप्रभु के ऐसा करने पे रूप गोस्वामी जी ने चखा, और 10 दिन तक पूरा चखते रहे उसको, 10 दिन तक जो सुनाया भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, तो वो एक बूंद था, एक बूंद का बस चखा, एक बूंद मतलब समुद्र का एक बूंद चखाया, एक बूंद। और रूप गोस्वामी ने 10 दिनों तक लगातार इसको लिया, उसको डाइजेस्ट किया, उसको पचाया, उसको उसको अनुभव अनुभव किया पूरी तरीके से, और अपने हृदय में आत्मसात किया, और फिर जो ग्रंथ की रचना, और ग्रंथ रचना हुई भक्ति रसामृत सिंधु, मतलब चैतन्य महाप्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी कृष्ण है उनको पता है, राधा रानी को पता है, एक्चुअली कृष्ण को भी नहीं पता भक्ति कितनी विशाल है, राधा रानी को पता है। तो राधा रानी को जो पता है भक्ति, जो राधा रानी कृष्ण की सर्वोच्च सर्वोच्च भक्त है, सर्वोच्च भक्त है, तो राधा रानी को जो भक्ति, राधा रानी जो कह रही है कि इतना भक्ति है ना, इतना लंबाई नहीं पा पाओगे, चौड़ाई नहीं पा पाओगे, गहराई नहीं पा पाओगे, और प्रतिक्षण बढ़ रहा है, समुद्र है बिल्कुल बड़ा समुद्र है, और मैं तुम्हें बस लो उंगली डुबा के निकाले, बोलो लो चख लो। तो जो राधा रानी के जो विशाल समुद्र है, जो राधा रानी ने यानी चैतन्य महाप्रभु ने एक बूंद जो रूप गोस्वामी जी को चखाया, वो चख के रूप गोस्वामी जो ग्रंथ रचना की, वो कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु, कह रहे हैं वो एक बूंद वो भक्ति रस का समुद्र है। अब सोचिए पूरा कितना समुद्र होगा भक्ति रस का, हम मतलब पार नहीं पा सकते, है ना, कितना मतलब एक बूंद जो चखे हैं वो एक रूप गोस्वामी जी जो राधा रानी के सबसे प्रियतम है, उनके प्रियतम जो दासी है रूप मंजरी, वो एक उनको राधा रानी यानी चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी एक बूंद चखाया पूरे भक्ति के समुद्र का, वो एक बूंद उनको चख के वो जो भक्ति रसा में सिंधु ग्रंथ कह रहे हैं कि ये तो समुद्र है, एक बूंद कह रहे हैं ये तो भक्ति रस का समुद्र है। अब सोचिए पूरे समुद्र की कितनी कितनी गहराई होगी, है ना, तो अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत है, अद्भुत है ना। तो रूप गोस्वामी ने
उस एक बूंद पे जो स्वाद चखा उस पे ग्रंथ का रचना किया, भक्ति रस का अमृत का सिंधु वो सागर है, भक्ति रस का अमृत, भक्ति रस का अमृत तो महान सागर है, सागर है। अब महान महान अभी क्योंकि भगवान ने चखा दिया था, चखा दिया था तो अभी उसमें तो लहरी उफान आएगा, उफान आता है समुद्र में, समुद्र ठहरता थोड़ी है, शांत होता है समुद्र, शांत कभी नहीं होता, समुद्र में तो उफान आता रहता है, ऊपर नीचे समुद्र बढ़ता रहता है। और तो रघु स्वामी के अंदर भी अब चखे हैं तो उफान आ रहा है, रघु स्वामी जब रचना एक से एक बढ़कर एक रचना करते चले जा रहे हैं, रघु स्वामी जी रचना करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, सुंदर रचना किए उन्होंने विदग्ध माधव, और सुंदर रचना करते हैं ललित माधव नाटक, फिर स्तव माला, हंस दूत, उज्ज्वल नीलमणि, ऐसे महान महान अगणित अगणित ग्रंथों का सुंदर सुंदर रूप गोस्वामी जी रचना करें। तो वो तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो एक बूंद चखाया था उसका कमाल हो रहा है, उसका कमाल हो रहा है, इतने महान महान ग्रंथ हमारे सामने प्रकट हो गए रूप गोस्वामी जी के कृपा से, जो एक बूंद चखा था, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि रूप गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तदान रूपे है ना, स्वविलास रूपे, कि अपने प्रेम का विलास का एक बूंद चखा दिया भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने, और फिर इतने सारे ग्रंथ प्रकट हो गए, है ना। अब ये रघु गोस्वामी की महिमा है, रघु गोस्वामी की महिमा ये सब, है ना, कि कितना प्रिय है भगवान को, कितना प्रिय किंकर है कि इस सब उनको प्रदान किया गया। अब यहाँ पे हम थोड़ी बात करेंगे नरोत्तम दास ठाकुर जी की, वो भी सुंदर आचार्य, महान आचार्य हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी वो जब नाम संकीर्तन अपना सॉन्ग लिखते हैं, भजन लिखते हैं, उसमें भी रूप गोस्वामी की महिमा गाते हैं। वो क्या कहते हैं, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छ गोसाई करी चरण वंदन, जहां हई ते विघ्न नाश अभिष्टा पुरन, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जनमे मोर हे अभिलाष। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी इतना सुंदर भजन लिख रहे हैं नाम संकीर्तन के ऊपर, कह रहे हैं मेरा तो हृदय का एकमात्र ही इच्छा है कि जितना भी जन्म हो, जितना भी जन्म हो, जितना भी जन्म हो, मेरे को इन षड गोस्वामियों के, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इन षड गोस्वामियों के चरण कमलों में मुझे निवास मिले, और हेड उनके नेतृत्व किसके अंदर रहेगा, श्री रूप गोस्वामी प्रभा, रूप गोस्वामी जी षड गोस्वामियों के में लीडर हैं, रूप गोस्वामी के नेतृत्व में, रूप गोस्वामी के लीडरशिप में, रूप गोस्वामी के मेंटरशिप में मुझे षड गोस्वामियों के चरणों में निवास करने का अवसर मिले हर जन्म में। और इतना ही नहीं, जो षड गोस्वामियों के जो सेवा करने वाले भक्त हैं उन उन उनके में मेरे को संगति मिले हर जन्म में। हम लोग को भी यही प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि भगवान भगवान प्रकट हो जाए, बोले क्या चाहिए, हमको ये बोलना चाहिए कि भगवान देखिए जो षड गोस्वामियों के जो शरणागत जो भक्त हैं ना, उनके शरणागत जो भक्त हैं, उनके शरणागत जो भक्त हैं, गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास, दास दासानुदास, दास दासानुदास, जो प्रेमी भक्त है उनके मेरे को दास बना दीजिए, और हम मुझे ना और कुछ नहीं चाहिए आपसे, हर जन्म में इन प्रेमी भक्त मेरे प्रति थोड़े से वत्सल रहे और मुझे अपना जन माने, अपना माने, अपना मान के मेरे से व्यवहार करे, मेरे को अपना सम्मान के कुछ सेवा प्रदान कर दें, कृपा करें, और इस प्रकार से उनके सुंदर मुखारविंद से मैं कृष्ण कथामृत का आस्वादन कर पाऊं, तो इस प्रकार से हम लोगों को भी प्रार्थना करना चाहिए बस, कि प्रेमी भक्त अपना माने और प्रेम भक्त के हम शरणाश्रित रहे, प्रेम भक्तों को हम प्रेम कर पाए, प्रेम भक्त अपना मान के हमें कुछ सेवा में लगाए रखे हमेशा, और उनके मुखों से आपके सुंदर गुणगान का श्रवण होता रहे, तो ये हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक सुंदर और ये बताते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार यहाँ पे लिए भक्त रूप में, कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु, और कृष्ण भक्त रूप में आए, कृष्ण भक्त रूप में आए, है ना। कहते हैं आपनी करिमो भक्त भावे अंगीकार,
आपनी करिमु भक्त शिखामुशी बार। आपनी न कैल धर्म सिखाए न जाए, एई त सिद्धांत गीता भागवत गाए। सकले जगते मोर करे विधि भक्ति, विधि भक्ति व्रज भाव पाइते नाही शक्ति। ऐश्वर्य ज्ञान सबे जगत विस्मित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिले प्रचार। तो गुरु महाराज भी इस श्लोक का बहुत कोट करते हैं बहुत ज्यादा। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिले प्रचार। तो भगवान ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला का अध्याय चार का ये श्लोक है सारे। तो उसमें कविराज गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु के क्यों आए इस संसार में, एक कुछ अंतरंग कारण है और कुछ बाह्य कारण है। तो मुख्य कारण ही बताते हैं कि मुख्य कारण तो भगवान इसलिए आए प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, कि प्रेम रस का कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर पाएंगे और राग मार्ग भक्ति का प्रचार करेंगे। रागानुग भक्ति का पूरे संसारों में लोक करिले प्रचार, पूरे संसार में प्रचार करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु आ तो गए और कृष्ण प्रेम का आस्वादन भी करने लगे। मतलब कृष्ण प्रेम कितना रसीला होगा, कितना टेस्टी होगा भगवान कृष्ण का प्रेम, कितना मतलब अभी हम लोग को क्या स्वाद मिलता है। हम लोग को अगर बोलेंगे तो गर्मी के दिनों में सबसे मीठा वाला जो आम आता है, सुंदर मीठा सॉफ्ट वाला, वो आम आम का कोई रस निकाल के हमको पिला दे, अच्छा लगता है ना। आम का रस है ना मीठा मीठा मधुर मधुर, आम आम्र का रस। तो कृष्ण प्रेम का जो रस है कितना मधुर होगा, कितना मधुर होगा। चैतन्य महाप्रभु तो जब पीना शुरू करे उस रस का, तो पूरे चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल मग्न हो गए। चैतन्य महाप्रभु उस रस को पीने बिल्कुल नशे में आ गए उस रस को पी के, और चैतन्य महाप्रभु का नशा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। चैतन्य महाप्रभु का पूरा नशा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। चैतन्य महाप्रभु ने मद मत हो गए उस नशे में, कृष्ण प्रेम के नशे में। इतना चैतन्य महाप्रभु पान किया और कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु पान कर रहे हैं कृष्ण प्रेम के नशे का, और कर रहे हैं और कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं उतना उनका नशा बढ़ रहा है। तो अभी एक बार तो पूरा हुआ कि ठीक है उनका वो तो प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं महाप्रभु, अब उनको प्रचार भी तो करना है चैतन्य महाप्रभु को ना, प्रचार करना है ना बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से। तो उसके लिए श्रील रूप गोस्वामी आए, श्रील रूप गोस्वामी आए उनके साथ साथ, कि जिन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कृष्ण भक्ति के विज्ञान को भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर पूरे संसारों के सामने प्रस्तुत करे। तो चैतन्य महाप्रभु का जो ये लाइन है ना कि राग मार्ग भक्ति लोके करिला प्रचार, तो ये करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी के अंदर विशेष शक्ति अपनी डाली, विशेष शक्ति डाली, इम्पावर किया चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद को कि वो राग भक्ति का प्रचार कर पाए सिस्टमेटिक तरीके से पूरे संसारों में, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो राग भक्ति का प्रचार करने का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो श्रील रूप गोस्वामी करते हैं। इसलिए हम सब रूपानुग है, हम सब रूपानुग है, हम सब श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी के फॉलोअर है, उनके अनुयायी है, उनके अनुयायी है। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण अमृत प्रणाम। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। और भक्तवृंद की जय। गुरु श्यामानंद प्रभु जी की जय। तो आप लोग का कोई प्रश्न है इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं तो कर सकते हैं प्लीज, और बाकी हम आगे कल देखेंगे, है ना। रूप गोस्वामी प्रभुपाद का अनंत महिमा है, अनंत महिमा है। मैं भी सुन रहा था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं श्यामानंद प्रभु जी की कृपा से मैं थोड़ा सा सुन पाया रूप गोस्वामी प्रभुपाद के बारे में और नोट्स बना पाया। मुझे भी इतना पता नहीं था लेकिन मुझे सुना मैंने, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद वाला अनुभव हो रहा था। इतने महान आचार्य हमारे। तो आप लोग प्रश्न के प्रश्न पूछ सकते हैं प्लीज। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।
कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील रूपो स्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रभु जी की जय। आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।